अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा जेड चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें, आज आपके लिए बहुत आसान रेसिपी बन रही है जो कि पिनिया कहते हैं, पंजीरी कहते हैं, आफ्टर प्रेगनेंसी जो वुमेन्स खाती हैं, या वैसे भी सर्दियों में हर कोई खा सकता है, कोई ऐसा वो नहीं है उसमें। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ चॉप्ड नट्स हैं जिसे मैंने ग्राइंड किया है। हाफ हाफ कप थे मेरे पास बादाम, काजू और अखरोट, वॉलनट, ये तीनों मैंने हाफ हाफ कप लेके ग्राइंड कर लिया, क्योंकि क्या हुआ कि हम नया कैमरा ट्राई कर रहे थे लेकिन उसमें हमें रिकॉर्डिंग समझ में नहीं आई, तो फिर मैंने ये ऑलरेडी उसमें रिकॉर्ड कर चुकी थी पर वो अच्छा नहीं आया। और यहाँ पे मैंने ली है 4 टेबलस्पून खशखाश, उसको भी भून के मैंने ग्राइंड कर लिया है, और 4 टेबलस्पून ही मेरे पास मखाने थे, फूल मखाने जो होते हैं गोल वाले वो थे, उनको भी मैंने रफली चॉप कर लिया है। यहाँ पे हमने ली है गोंद जो कि 4 टेबलस्पून थी, उसको भी मैंने फ्राई करके, और उसको मैंने स्पून ले लें किसी से भी चीज़ से, आप उसे ऐसे क्रश कर लें। तो ये सब चीज़ें, गोंद जो है आपको पता है आपके लिए बहुत फायदेमंद है, कमर के दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, तो ये सब हम कर लेंगे एक साइड पे। हमने क्या करना है, 1 टीस्पून लेना है हमने घी, घी में हम डाल रहे हैं ये 4 मग्स जो कि हाफ कप है मेरे पास, वो इसमें डालेंगे। और 4 मग्स का ऐसा है कि ये उछलते बहुत हैं जब आप इनको फ्राई करने लगें, तो एकदम से इनको जैसे ये फ्राई हो आप इन्हें साइड पे उतार दें। 4 मग्स आपको बताएं कि ये खरबूजों और सबके ये सीड्स होते हैं, ये बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, बहुत हेल्दी, इनके बहुत ज़्यादा, ये ड्राई नट्स जो भी हैं उनके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, लेकिन एक लिमिट पे खाना चाहिए इन्हें, बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए क्योंकि हाई इन कैलोरी होते हैं। होने शुरू हो गए और ये खटर खटर बज रहे हैं, अपना मुँह साइड पर रखें वरना मुँह पर आके चिपक जाते हैं कई दफ़ा जब वो उड़ते हैं ना, ये देखें। तो इनको भी आप इन सारे बादाम पिस्ते जो अब सब भी आपने ड्राई फ्रूट लिया हुआ है वो उसमें डालें। आपने 1 टीस्पून लिया है देसी घी, उसमें मैं डाल रही हूँ ये ग्रेट किया हुआ खोपरा, हाफ कप है ये भी, इसको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इन चीज़ों को आप जब रोस्ट करते हैं तो इनका अपना ही एक फ्लेवर आ जाता है, तो हल्का हल्का आपने रोस्ट करना है, ये नहीं है कि आपने इनको इतना ज़्यादा रोस्ट करें कि इनकी न्यूट्रिशन है वही ख़त्म हो जाए। ऐसा ये ब्राउन होगा और इसे भी हम निकाल लेंगे। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ कप मेरे पास किशमिश है, कोई से भी किशमिश ले लें, लाइट ब्राउन डार्क जो भी कलर की आपको पसंद है वो डाल दें। चलें, यहाँ पे मेरे पास होल व्हीट फ्लावर है 1 कप, वो हम इसमें भून रहे हैं उसको भी। इसमें मैंने अभी कोई वो नहीं डाला है घी, देसी घी का इस्तेमाल करें अगर आप ये बना रहे हैं सर्दियों के लिए, क्योंकि सर्दियों में देसी घी बहुत अच्छा होता है बॉडी के लिए, हड्डियों के लिए, और स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन आफ्टर उनकी प्रेगनेंसी के बाद। अब आप इसको भूनें बिल्कुल इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाना चाहिए ताकि इसमें आटे में कच्चापन ना रहे। आटे को ये है कि आपने मुसलसल चलाते रहें जैसे सूजी को चलाते हैं, क्योंकि एकदम से ये देखें नीचे से ब्राउन होता है ऊपर से नहीं, तो फिर आपने इसको चलाते रहना और इसकी ऑलरेडी खुशबू आने लग गई है। अब ये थोड़ा सा और मैं इसको ब्राउन करूँगी फिर इसमें घी डालूंगी। घी यहाँ पे मैंने टोटली हाफ कप लिया था जिसमें से बेरली मैंने कुछ यूज़ किया है, तो इसमें से मैं 1/4 कप इसमें आटे में डालूंगी, थोड़ा सा और ये भून जाए उसके लिए। सो अब मैंने क्या किया है, देखें आटा बहुत अच्छी तरह से आपका भून गया, जब आपको खुशबू आने लग जाए जल्दी जल्दी हाथ चलाएं, और इसमें मैंने 1/4 कप जो है अपना ये डाला है घी, देसी घी। आप इसको हलवे की तरह बना लें, ये मुझे अभी भी घी कम लग रहा है, तो घी इतना हो कि आपका आटा पूरा वो हो जाए, इसमें सॉफ्ट हो जाए। और इस वक्त स्टोव जो वो मेरा है मीडियम लो पे है, अगर आप चाहें तो आटे की जगह पे सूजी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आटा मैंने इसलिए लिया है कि थोड़ा सा हेल्दी होल व्हीट है, तो चलें आप कुछ तो इतने हैवी नट्स के साथ कुछ थोड़ा सा ये आटा अच्छा हो आपका फाइबर के साथ। तो जब आप देखें कि घी और आटा पूरा मिक्स हो गया है तो आप इसे कर दें बंद और फिर लास्ट स्टेप की तरफ चलें। तो ये सारे जो हमारे ड्राई फ्रूट्स थे और गोंद मखाने सब इसमें गए, और ये जो हमने आटा किया था वो भी इसमें जा रहा है। सो आप देखें आटे की क्वांटिटी 4th है और ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो 3x साइज के हैं। अब आपने क्या करना है, मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 कप जो है गुड़, आप इसकी जगह ब्राउन शुगर या रेगुलर शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। इसको करेंगे हम मेल्ट थोड़े पानी के साथ और थोड़े से घी के साथ। तो ये देखें गुड़ को डिसॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे तकरीबन 1 टेबलस्पून और 2 टेबलस्पून पानी डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ आपको इसको मेल्ट ही करना है।
इसको हल्का हल्का चलाते जाएं ताकि इसका शीरा सा बन जाए। लेकिन एक स्टेप मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, जब तक ये मिक्स हो रहा है, यहाँ पे मेरे पास छुहारे भी थे पर इनको मुझे सोक करना था, काटना था, तो मैंने इन्हें छोड़ दिया फिलहाल। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अगर आपने पिनिया नहीं बनानी, लड्डू नहीं बनाने इसके, तो आप सिंपली क्या करें, इस वक्त इसमें अपना शुगर या जो ब्राउन शुगर है दोनों को मिक्स करें और बस ये आपका रेडी है। ये आप इसमें सिर्फ आपको शुगर मिक्स करनी है और ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है आपका। आपको इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है और इतना टेस्टी होगा, क्योंकि अभी तो इसमें शुगर नहीं डली हुई है, तो जब मीठा डलेगा तो बहुत बहुत मज़ेदार होता है। तो आप देख लें कितना मज़ेदार सा ही और कितना सारी क्वांटिटी में बन गया। लेकिन हम इसको कोशिश करेंगे कि इसके लड्डू बना लें, तो गुड़ का वेट कर रहे हैं। ये बड़े बड़े पीस हैं, इनको आराम से होने में होगा, तो कोई मसला नहीं है। अगर आपको लगे कि ये बर्न हो रहा है, थोड़ा सा पानी और डाल दें, क्योंकि आपको इसको बर्न नहीं करना है, क्योंकि इसमें अगर जलने की खुशबू आ गई तो भी टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं हाफ टी स्पून, और आपकी खुशबू के हिसाब से आप डाल लें इलायची का पाउडर, और अगर आपको बोन्स में एक्स हैं या कुछ है तो आप उस वक्त वो भी डाल सकते हैं, जिंजर पाउडर। तो ये देखें कि जो लास्ट 1 टेबल स्पून के करीब हमारे पास होगा घी, तो पूरे इस जर्नी में हाफ कप घी गया है हमारे पास, जो कि इतना ज़्यादा नहीं है इतने सारे लड्डू में, क्योंकि आपने ये एक टाइम पे एक ही खाना है, 2-3 टेबल स्पून ही खाने होते हैं एक टाइम में, क्योंकि ये अच्छा खासा हैवी होता है। ज़्यादा ना खाएं, क्योंकि ये इनके अलर्जी से। बस चाशनी आपकी, शीरा जो है आपका ऑलमोस्ट रेडी है, आपने उसमें डालना है और मिक्स करना है, चाहे तो लड्डू बनाएं नहीं तो बस ऐसे ही खाएं। ये शुगर इतनी गर्म होगी आपके हाथों पे चिपक जाएगी, तो कोशिश नहीं करें कि आप चेक करें, तो इसको ऐसे चेक कर लें कि आपने जो पानी डाला था वो ड्राई हो जाए। ये देखें एक तार सी बन गई, तो जब ये एक तार सी बने, जब आप समझ लें कि अब आप इसको डालेंगे बिस्मिल्लाह पढ़ के अपने मिक्सचर के ऊपर जो आपने बनाया था, इसमें मैंने वो डाला था क्या कहते हैं इलायची पाउडर, उसको मिक्स कर लूँ और अब इसके ऊपर डालूँ बिस्मिल्लाह। अब आप इसे करें अच्छी तरह से मिक्स। आप इस टाइम पे अपना मीठा इसके जैसे ही मिक्स हो जाए तो चेक कर लें, तो रॉ शुगर या फिर चीनी और भी मिक्स कर सकते हैं। हाथ लगाने घी को मैं अब महसूस कर लें कि ये बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, तो आपका हाथ, और मैंने इस वक्त मीठा चेक कर लिया, बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो और डालें, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट है, फीकी चाय के साथ खाएँ बहुत मज़ेदार लगेगा। तो ये देखें आपका माशाल्लाह लड्डू तैयार हो गया। चलो जब आपने ये लड्डू बनाने हो ना, तो ये कैमरे के पीछे जितने भी लोग खड़े हैं ना, उनको आवाज़ दें कि आके लड्डू बनाएं जब कैमरा ऑफ हो जाए, क्योंकि इतने सारे बनेंगे कैसे। चलें जी, माशाल्लाह लड्डू हो गए आपके तैयार, देखें कितने झटपट से, आराम से, मज़ेदार से लड्डू बनाएं, और सर्दियों में बैठ के सब जान बनाएं। मीठे की जगह पर ये खाएँ रात में, सुबह में, नाश्ते में खाएँ, यकीन करें मुझे भी दुआएं देंगे, सबको दुआएं देंगे जो आपको बना के जिन्होंने दिया। यहाँ पे दोबारा एक छोटा सा क्विक रिव्यू आपको दोबारा से दे दूं, क्योंकि शुरू में वीडियो रॉन्ग हो गई थी। तो मैंने जो ड्राई फ्रूट सारे लिए हैं वो सब आपको बता दिए थे, उनको हाफ हाफ कप लिया था मैंने। खसखस मैंने 4 टेबल स्पून ली थी, और जो मखाने थे वो 1 कप थे, उन सबको आपने ग्राइंड कर लिया, उसके बाद आपने सब कुछ देख लिया। चले अब आ गया है मोमेंट ऑफ ट्रूथ। आपको पता है कि बच्चे ज्यादातर ये चीजें पसंद नहीं करते, तो चले उज़ैर से ट्राई करवाते हैं। उज़ैर खा चुका है बहुत तरह की पिनिया, बिस्मिल्लाह, बहुत ही मजेदार बने। प्लीज जाके इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें सर्दियों में। चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।